बात करते हैं कोटा की, जहां झालावाड़ से 3 साल पहले गोद गए एक बच्चे को परिवार ने वापस झालावाड़ बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर दिया है। बच्चे की उम्र 5 साल है। कुछ दिन से बच्चे की तबीयत खराब चल रही है, जिसके चलते उसे कोटा के जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा बाल कल्याण समिति के हॉस्टल सदस्य बच्चे की हालत की जानकारी लेने जेके लोन अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से चर्चा की है। सदस्य विमल चंद जैन और आबिद अब्बासी ने बताया कि करीब 3 साल पहले झालावाड़ बाल कल्याण समिति के जरिए बच्चा मध्य प्रदेश के एक परिवार में गोद गया था। 3 साल तक बच्चा परिवार के साथ रहा। इस दौरान बच्चा परिवार में सेटल नहीं हो पाया, ना ही परिवार बच्चे को पालने में समर्थता दिखा सका। 45 दिन पहले परिवार ने बाल कल्याण समिति झालावाड़ के समक्ष बच्चे को पालने में असमर्थता दिखाई और बच्चे को वापस सुपुर्द कर दिया है। इसके बाद बच्चा शिशुगृह में रह रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले से बच्चे की तबीयत खराब शुरू हो गई है। उसे झालावाड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां हालत में सुधार नहीं होने पर कोटा के जेके लोन अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इसके बाद बाल कल्याण समिति बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर लगातार अपडेट ले रही है। बच्चे के प्लेटलेट्स कम होने और बुखार की शिकायत है। ये बच्चा 5 वर्ष का है, जो 3 वर्ष पहले एक दंपति ने गोद में लिया था, पर बच्चा उनके पास असहज महसूस करता रहा। बच्चा वहाँ पर सामान्य रूप से रह नहीं पाया, तो उन्होंने 3 साल अपने पास रहने के बाद बच्चे को बाल कल्याण समिति झालावाड़ में वापस सुपुर्द कर दिया। 45 दिन पहले की बात है। बच्चे की अभी 4-5 दिन पहले तबीयत खराब हुई, तो वहाँ झालावाड़ के अस्पताल में उसको भर्ती कराया, लेकिन बच्चे की स्वास्थ्य में सुधार नहीं होने पर बाल कल्याण समिति ने बच्चे को कोटा रेफर किया और बाल कल्याण समिति के नाम से आदेश किए। उसके आदेश के अनुरूप रोस्टर सदस्य आबिद अब्बासी ने उसके आदेश किए, शिशुगृह के, और मैं दोनों वहाँ पर हॉस्पिटल में पहुँचे।